तो ये गाइस व्हाट्सअप, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। सो आज हम फिर से खेलने वाले हैं फैबुलस 5। तो फैबुलस 5 में आज जो मैच है वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का, और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है। सो मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलूंगा, और आप यहाँ पर पॉइंट टेबल देख सकते हो, न्यूजीलैंड टॉप पे है, ऑस्ट्रेलिया तो लास्ट पे है क्योंकि उन्होंने दो मैच खेला लेकिन एक जीता एक हार गया, और इंडिया चौथी नंबर पे है। तो चौथी और पांचवी नंबर की जो टीम है उसके बीच मैच है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि जो टीम जीतेगा वो बहुत ही ऊपर आ जाएगा। यहीं पर इंट्रोडक्शन वीडियो को ख़त्म करके मैच पे आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड का, प्लेइंग 11 आप पॉज करके पढ़ सकते हो, और टुडे कंडीशन है ड्राई और मीडियम। तो दोनों कप्तान यहां पर हाजिर है टॉस करने के लिए, और इंडिया ने बोला है टेल। तो यहाँ पर एडन फिंच ने सिक्का को उछाल दिया है, क्या गिरता है वही देखने के बाद है, और यहाँ पर हेड जीता, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस को जीत लिया। तो मैं तो पहले, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो बॉल सिलेक्ट किया, मतलब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी करेगा, ठीक है ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी। तो पहली गेंद जेसन बेनरफ को, और सामने है रोहित शर्मा। तो पहली गेंद बहुत बढ़िया बैकफुट पर जाके पांच किया रोहित शर्मा ने। चौथी गेंद इस ओवर की, ओहो बहुत बढ़िया इन स्विंगिंग, बहुत बढ़िया। पहली गेंद दूसरी ओवर का, सामने है रोहित शर्मा, ओहो बहुत ही बड़ा एज, और यहाँ पर बहुत ही मतलब लाख साथ दिया रोहित शर्मा को, और यहाँ पर एक चौका मिलता हुआ, क्या गेंद था भाई, देखने का लायक था। तीसरी गेंद तीस ओवर का, बिली स्टैनले का पैरों पे खराब गेंद, ये तो खराब गेंद था, और रोहित शर्मा पूरा फायदा उठाया इस गेंद का। लास्ट गेंद इस ओवर का, इस गेंद पे क्या होगा, ये तो स्विंग होते हुए लेकिन रोहित शर्मा ने ठीक से गैप ढूंढ लिया, और यहाँ पर बहुत बढ़िया चौका मारा। और मैक्सवेल का पहली गेंद, सामने शिखर धवन, ओहो एज लगा, और यहाँ पर क्या कैच, कीपर ने बहुत ही बेहतरीन कैच दिया, और यहाँ पर मैक्सवेल के खाते पे एक विकेट है, बहुत बेहतरीन विकेट है, आप देख सकते हो एज लगा, उसके बाद पैर पे लगा, और उसके बाद कीपर ने कैच कर लिया, बहुत ही बेहतरीन कैच। और यहाँ पर शिखर धवन तीन गेंदों पे एक रन बना के आउट होते हुए, आप आया है किंग कोहली द रन मशीन। तो मैक्सवेल का चौथी गेंद, सामने है रोहित शर्मा, ओ भाई बैकफुट पे जाके मिड ऑफ के ऊपर से खेला है शॉट, क्या शॉट है, इस शॉट का नाम क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, इस शॉट का नाम क्या है मेरे को तो मालूम नहीं, आप ज़रूर कमेंट करना ओके। तो मैक्सवेल का ओवर का लास्ट गेंद, सामने है रोहित शर्मा, नहीं विराट कोहली था, और यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से बहुत बढ़िया चौका लगा है, मिड ऑफ के ऊपर से बहुत बढ़िया। और डार्सी शॉट का तीसरा गेंद, और ओ भाई क्या शॉट है, रोहित शर्मा ने क्या शॉट मारा इसको। और पांचवी गेंद डार्सी शॉट का, और यहाँ पर डार्सी शॉट को अपर कट मारा रोहित शर्मा ने, बहुत ही बेहतरीन अपर कट था, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ शॉट को, ओह भाई क्या शॉट है। डार्सी शॉट का लास्ट गेंद, सामने है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है, और यहाँ पर इसी के बीच में और एक चौका यहाँ पर रोहित शर्मा को मिलता हुआ। नाथन काउंटर 9 का पहली गेंद, सामने है रोहित शर्मा, और स्विंग तो करने की कोशिश किया लेकिन रोहित शर्मा ने गैप ढूंढ लिया, इसको कहते हैं रिमोट कंट्रोल शॉट। आप रोहित शर्मा को क्या गेंद करेगा काउंटर 9, ये तो मतलब काउंटर 9 तो पूरा मतलब दिक्कत पे चला गया, क्या गेंदबाजी हो रहा है भाई, ऐसे खराब गेंदबाजी मत करो। चौथी गेंद काउंटर 9 का, और रोहित शर्मा 41 रन पे पहुंच गया, ये तो बाउंसर करने की कोशिश किया लेकिन रोहित शर्मा को क्या फर्क पड़ता है, बाउंसर को बहुत बेहतरीन से खेला है। लास्ट गेंद इस इनिंग्स का, सामने विराट कोहली, और विराट कोहली क्यों, विराट कोहली भी बोलता है मैं भी मार सकता हूँ ना चौका, ये बहुत बेहतरीन शॉट था। और इसी के साथ इंडिया का इनिंग्स समाप्त होते हुए, क्या शॉट खेला और क्या इनिंग्स खेला रोहित शर्मा ने, भाई ने पूरा दिल जीत लिया। आप यहाँ पर देख सकते हो रोहित शर्मा ने 22 गेंदों पे 46 रन बनाया, शिखर धवन 3 गेंदों पे 1 रन बनाया, और मैक्सवेल ने शिखर धवन को आउट कर दिया, और विराट कोहली ने 5 गेंदों पे 12 रन बनाया, छोटा सा केमियो था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण केमियो था ये। यहाँ पर पहली गेंद नदीप सैनी का, ओह क्या बाउंसर था, क्या गेंद था, ओहो एरन फिंच समझ ही नहीं पाया। दूसरा गेंद, सामने है एरन फिंच, नवदीप सैनी बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है,
ये भी बाउंस आता, लेकिन क्या भाई एरन फिंच ने सिर्फ दिशा दिखाया गेंद को और एक छक्का और बाउंसर भी मिलता हुआ है। साइनी ने तो एक छक्का खा गया है, तो साइनी का तीसरा गेंद सामने एरन फिंच इस शॉट को तो टाइमिंग नहीं कर पाए इस शॉट को, और यहाँ पर एक बेहतरीन कैच और यहाँ पर एक विकेट मिलता हुआ इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा था एरन फिंच मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पर एरन फिंच ने तीन गेंदों पर 6 रन बना के आउट हो गया। अब बल्लेबाजी करने आया है डार्सी शॉट, पहली गेंद खेलेगा डार्सी शॉट और पहली गेंद में उठा के छक्का मारा है। इतना बड़ा छक्का, मतलब कितना दूर चला गया दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही बेहतरीन छक्का। और साइनी का पांचवी गेंद और क्या फ्लिक शॉट था और क्या गैप ढूंढना, मतलब डार्सी शॉट ने बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, ये शॉट तो बहुत ही बेहतरीन है। अब मोहम्मद शमी आ चुका है सामने डार्सी शॉट और डार्सी शॉट ने शॉट मारने की कोशिश किया था लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाया क्योंकि पिछले दो गेंद डॉट गया था, इसीलिए प्रेशर में था डार्सी शॉट। और इसी के और यहाँ पर डार्सी शॉट 6 गेंदों में 13 रन बनाया। अब आ चुका है मैक्सवेल जो बहुत ही हीटिंग करने के लिए जानता है। क्रिस लिन पहली गेंद खेल रहा है, कौन बताएगा, क्योंकि पहली गेंद पे क्या चौका लगाया है क्रिस लिन ने यहाँ पर भाई, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन ना अलग होता है। और यहाँ पर मैक्सवेल का मैक्सवेल भी पहली गेंद, देखो दो विकेट गिर गया सिर्फ एक विकेट से, मैच को मतलब मैच ख़त्म हो सकता है, लेकिन क्या शॉट खेल रहा है, देखो लिन ने फिर से एक बहुत ही बढ़िया चौका मारा, गैप ढूंढ के चौका मारा है। आप तो ओ भाई बुमराह का क्या गेंदबाजी था। आप आ चुका है कुलदीप यादव, चार गेंद डॉट दिया है और छोड़ेगा तो नहीं लीन, ये तो मेरे को मालूम था। और यहाँ पर क्या छक्का लगाया भाई लीन ने, एकदम धागा खोल दिया, क्या शॉट मारा कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव 4 गेंद डॉट दिया था, उसका तो नतीजा भुगेगा ही, ये तो गुगली गेंद था, लेकिन क्या छक्का मारा भाई भाई ने। अब 7 गेंदों पर 18 रन चाहिए और सामने कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव को लास्ट गेंद ये भी छक्का मार दिया, मतलब क्या शॉट था। 4 गेंद डॉट दिया दोगे तो ऐसे ही मारेगा। अब हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद, ये तो क्या शॉट था, क्या ड्राइव था, क्या मतलब एकदम सीधे बल्ले से शॉट मारा बाउंड्री के बाहर। अब तो 3 गेंदों पे 6 रन चाहिए और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया, लेकिन बाउंस खा गया, इसीलिए फील्डर का हालत देखो, ओहो हो, अगर विकेट मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता। और ये तो एक क्या अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया, भाई साहब इस टाइम पे कौन नो बॉल करता है भाई, हार्दिक क्यों कर रहा है भाई, यहाँ पर तो अब फ्री हिट लगने वाला है, अब तो इंडिया को कोई बचा नहीं सकता है। अभी भी 2 गेंदों बाकी है, 2 गेंदों पे अभी भी 4 रन चाहिए। अब फ्री हिट पे तो एक छक्का मारेगा ही क्रिस लिन, लेकिन बहुत बेहतरीन फ्री हिट में एक डिलीवरी किया। और क्या अंपायर ने फिर से नो बॉल कर दिया इसको, देखने का बात है। ओहो हो, अंपायर ने फिर से इसको नो बॉल कह दिया भाई, मैच में रोमांचक आ चुका है, मैं क्या मैच हो रहा है भाई। लास्ट पे जाके हार्दिक पांड्या ने 2-2 नो बॉल कर दिया, अगर नो बॉल नहीं करते तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर काम तमाम हो जाता, ये कैच लुकता, कैच पकड़ता भी तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये तो फ्री हिट था, तो इसीलिए कैच ही छोड़ दिया भाई ने हमारा, तो बहुत ही बढ़िया। आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो क्या छोड़ दिया, क्या बताओ, स्कोर तो लेवल है, सिर्फ 1 गेंद तो पे 1 रन चाहिए, तो सामने तो है हमारा लीन बहुत ही बेहतरीन खेल रहा। और यहाँ पर शॉट मारने की कोशिश किया था लेकिन शॉट नहीं मिला, तो क्या हुआ, एक तो रन मिल गया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 1 विकेट से जीत लिया अपने नाम किया है इस मैच को ऑस्ट्रेलिया 1-1 विकेट, ये बहुत बढ़िया खेला है। और आप यहाँ पर देख सकते हो प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है रोहित शर्मा, होना ही था क्योंकि 22 गेंदों पे 46 रन बनाया, बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर क्रिस लिन ने भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किया है, 17 गेंदों पे 27 रन बनाया। और यहाँ पर डार्सी शॉट और गेंद मैक्सवेल दोनों ही 6 गेंदों पे 13 रन बनाया, और विराट कोहली ने 5 गेंदों पे 12 रन बनाया। मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिल गया, नवदीप सैनी को 1 विकेट मिला, और वहाँ पर उधर गेंद मैक्सवेल को भी 1 विकेट मिला है। और यहाँ पर एरन फिंच कप्तानी बारी खेल नहीं पाया, इसीलिए वो माफ़ी चाहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो नेक्स्ट मैच है न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं न्यूजीलैंड के तरफ से खेलूँगा क्योंकि वह वेलिंगटन पार्क से है मैच, न्यूजीलैंड का होम मैच है, तो मैं न्यूजीलैंड के तरफ से ही खेलूँगा। और वो मैच भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों
एक नंबर पे और दो नंबर पे है, तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा तो उसके बाद नेट रन रेट में फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो न्यूजीलैंड ही नंबर वन पे रहेगा। तो कोई नहीं, यहाँ पर न्यूजीलैंड नंबर वन पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर टू पे है, और इंडिया का हालत तो बहुत ही बुरा है, अभी भी चौथी नंबर पे है, तो इंडिया को जीतना होगा। और अभी भी बहुत सारे मैच बाकी है, मेरा हिसाब से तो इंडिया पलट भर करेगा ही टीम को। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, अगर लास्ट पे हार्दिक पांड्या वो नो बॉल नहीं डालता ना, मैच और भी इंटरेस्टिंग होता, और इंडिया मैच को जीत भी सकता था अगर वो नो बॉल नहीं डालता। तो अगर वीडियो पसंद आया और क्रिस लिन का इनिंग्स आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना आपको किसका इनिंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, डार्सी शॉट, क्रिस लिन, ग्रेन मैक्सवेल या रोहित शर्मा का, किसका इनिंग्स बहुत ही सही लगा आपको, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो बेल वाला बटन दबा देना प्लीज़, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा ना आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।